राज्य में वर्षा जल संरक्षण तथा सिंचाई की बेहतर सुविधा के लिए 4,791 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ताकि किसानों की आमदनी को दुगना किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में सुजानपुर तथा धर्मपुर को शामिल किया गया है। ये जानकारी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने सुजानपुर उपमंडल के ऊल में जनमंच कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं के बाद दी। उन्होंने कहा कि 2000 से पहले की पेयजल स्कीमों की पाइपलाइनों को बदलने के लिए प्रथम चरण में 798 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ताकि आम जनमानस को पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी पेयजल भंडारण टैंकों को 31 अक्टूबर से पहले साफ करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, ताकि पेयजल की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके। आईपीएच मंत्री ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं पर उनके घर द्वार पर त्वरित निपटारा करना है, तथा इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान व प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है, तथा इस दिशा में नए कार्यक्रम तथा योजनाओं को क्रियान्वित कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस जनमंच कार्यक्रम के दौरान 52 शिकायत पत्र तथा 112 मांग पत्र प्रस्तुत किए गए, जबकि पूर्व जनमंच कार्यक्रमों की 42 शिकायतें मिली थी, जिनमें 27 का निपटारा किया जा चुका है, तथा शेष 15 शिकायतों के 10 दिन के भीतर निपटारे के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हर महीने में एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र के 8-10 पंचायतों 15 पंचायतों के बीच में किया जाएगा, तो आज उस जनमंच का जो एक ऐसा परिणाम हमारे सामने आ रहा है कि एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति, जिसकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंचती थी, जिसकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती थी, आज उन निधड़क होकर के, बेहिजक होकर के जो है माइक पे आकर के खड़ा होकर के कहता है कि मेरे घर के ऊपर जो तारे हैं, मेरे घर के पास जो नल का लगना है, मेरे घर के पास से जो सड़क निकली हुई है, मेरे यहां पर जो दिक्कत है उस दिक्कतों का समाधान किया जाए। और मुझे आज की जनमंच में ऐसा लगा कि वैसे और जगह जितने जनमंच में गया वहां पर तो बिजली बोर्ड की शिकायतें काफी कम होती थी। सबसे बड़ी शिकायतें जो है आईपीएच विभाग की होती सबसे ज्यादा, पता नहीं अब आईपीएच विभाग ने मैनेज कर लिया पता नहीं, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा मैनेज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो हमारे सामने इस क्षेत्र की जो, और इस क्षेत्र की भी विशेष करके जो यहाँ की 10-15 पंचायतों की जो समस्याएं आई हैं, उनमें मेरा आग्रह रहेगा विभागों के बोर्डों के अधिकारियों से कि जो सरकार की मंशा है, जो कमिटमेंट हमने यहाँ पर की हुई है, जिस व्यक्ति विशेष ने अपनी बात रखी है, उस व्यक्ति विशेष को लेकर के हमने सरकार के तौर पर जो कमिटमेंट की हुई है और वो टाइम बाउंड की हुई है, उसमें हमने ऐसा नहीं रखा है कि एक फुली ऑप्शन रखी हुई है कि हाँ कर देना आपने, चाहे वो साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, हमने उसको टाइम बाउंड किया है कि कई जगह 1-5 दिन का टाइम दिया, कई जगह 7 दिन का दिया, कई जगह 15 दिन का दिया, मैक्सिमम एक महीने से ज्यादा कोई नहीं दिया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, एपीएमसी के चेयरमैन उपायुक्त हमीरपुर, एसपी हमीरपुर, एडीसी हमीरपुर, एसडीएम हमीरपुर सहित जिला परिषद के अध्यक्ष मौजूद रहे। मैं प्रकाश चंद हरिजन बस्ती कुमसरा का निवासी हूं। मेरी जो समस्या थी 4 साल पुरानी, वो जनमंच प्रोग्राम में समस्या दूर हो गई 2 दिन में, तो मैं अपने मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी समस्या को दूर किया जी।